ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है और मैं पेपर अभी अपने नॉमिनेशन फाइल करूंगी, करीबन 12:30 के करीब हम पहुंचने वाले हैं और लोग तैयार हैं हमारे, जो भी पेपर वर्क करना है उसके लिए। मुरादाबाद में सपा कैंडिडेट को लेकर बेहद चर्चा है। कल यानी 26 मार्च को दलबल के साथ मुरादाबाद में नामांकन के लिए एसटी हसन पहुंचे थे। बकायदा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को कैमरे पर धन्यवाद किया था, लेकिन शाम तक आजम खान गुट से रुचि वीरा ने हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव से फोन पर यह दावा किया कि वो आज यानी 27 मार्च को सपा के सिंबल पर मुरादाबाद से नामांकन करने वाली हैं। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने आपसे? जी, उन्होंने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक तरह से दी है। मुरादाबाद एक बड़ी लोकसभा है और इम्पोर्टेंट लोकसभा है और वहाँ मुझे उन्होंने प्रत्याशी बनाया है और मैं भाई जीत पूरी तरह चुनाव जीतूंगी भी, और न केवल चुनाव जीतूंगी बल्कि मुरादाबाद के लोगों का दिल जीतने का काम करूंगी। इसके बाद शुरू हुआ मुरादाबाद में एसटी हसन के समर्थकों का हंगामा। भयंकर नारेबाजी करते हुए एसटी हसन के समर्थकों ने कहा, बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऊंची वीरा को लड़ना है, आजम भाई को दलाली करनी है, कहीं और करें, रामपुर में जाके करें, बाहर का आदमी मुरादाबाद में नहीं चलेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेल में है आजम खान साहब, कई इशारों पे सारे काम हुए हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व की कोई और जिम्मेदारी नहीं है। अब अखिलेश जी ने, आप खुद सोचिए, अखिलेश जी ने जब डॉक्टर स्टेशन जैसी शख्सियत को टिकट दे दिया, उसके बाद क्यों काटा गया, किसके इशारे पे काटा गया, पहले से भी वो उन्हीं के तरफ था, क्या मानना। इस विरोध के बाद ऐसी चर्चा थी कि रुचि वीरा के नाम को पीछे कर दिया जाएगा, लेकिन खुद रुचि वीरा ऐसा नहीं चाहती। उनका अभी भी कहना है कि वो अपना पर्चा दाखिल करने पहुंचेंगी। देखिए, मुझे मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहती हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, श्री अखिलेश यादव जी का, और जो हमारे पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान साहब का, और मैं गठबंधन से मुझे समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है और मैं पेपर अभी अपने नॉमिनेशन फाइल करूंगी, करीबन 12:30 के करीब हम पहुंचने वाले हैं और लोग तैयार हैं हमारे, जो भी पेपर वर्क करना है उसके लिए। और हालांकि इस पूरे मामले पर एसटी हसन का कहना है कि वो 3 बजे इस पर बात करेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि जो भी नाम होगा वो आज ही फाइनल होगा, क्योंकि पहले चरण के चुनाव के लिए आज कैंडिडेट के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। आज ही सभी कैंडिडेट को अपना पर्चा दाखिल कराना है। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।